नमस्ते। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, स्पेशली कर्नाटक। ये मैंने बासमती चावल लिया है 1.5 कटोरी, और ये गरम दूध में मैं थोड़ा सैफ्रन भिगा के रखा है, बट ये सैफ्रन इतना अच्छा नहीं, कलर नहीं आया। अभी हम ये चावल, मैंने लिया है बासमती चावल 1.5 कटोरी लिया, अच्छा से धो के गरम पानी में डाल के उबाला। अभी ये हुआ तो इसको मैंने ड्रेन करके बाजू में रख दिया। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखा है, वो उसमें मैं घी डाला 1 चम्मच, और इसमें अभी मैं कैश्यू नट डालूंगी। इसको थोड़ा ब्राउन होने का तक रोस्ट करेंगे। इसको एक कटोरी में मैं निकाल के रखती हूँ। अभी इसमें मैंने डाला किशमिश, ड्राई रेजिंस, थोड़ा सा आपको जितना चाहिए वैसे डाल सकते हैं, और ये भी मैंने घी में थोड़ा रोस्ट करके निकाल दिया। ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिए, एक ऑथेंटिक रेसिपी है, इसको बोलते हैं केसरी बात। अभी मैंने 2 टेबल स्पून, नहीं टेबल स्पून सॉरी, बड़ा चम्मच घी लिया। एकदम फ्रेश घी होना चाहिए। ये अभी गरम हुआ, इसमें अभी मैं थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि लिए मेरा ना वो केसर का दूध बनाया था वो इतना कलरफुल नहीं हुआ इसके लिए, और मुझे दूसरा कलर ऐड करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें मैंने बना के रखा हुआ बासमती चावल डाल रही हूँ। ये केसरी बात के लिए ना जनरली बासमती चावल हम यूज़ नहीं करते हैं, इसको अम्बेमोर करके रहता है या गोविंद भोग, ऐसे तो एरोमेटिक चावल मिलता है तो वो डालते हैं, वो छोटा रहता है। अभी इसको थोड़ा घी में रोस्ट करेंगे चावल, मतलब घी का फ्लेवर आना चाहिए, करीब 1-2 मिनट अच्छे से अच्छा घी एब्जॉर्ब होना चाहिए। बस अभी मैं बना के रखा हुआ ये केसर का दूध है ना वो ऐड करूँगी। केसर अच्छा नहीं मिला मुझे। मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया था, वो उसी का अंदाज पे मैंने 1.25 कटोरी, 1.25 कप मतलब वही मेजरमेंट, उसमें मैंने शक्कर डाला, चीनी डाला। अगर आपको चाहिए तो इक्वल क्वांटिटी में डाल सकते हैं, चावल उबालने के बाद थोड़ा ज़्यादा होता है ना क्वांटिटी, बट मीठा उतना ही आ जाता है, केसरी बात ज़्यादा ही मीठा रहता है। इसको अभी चीनी पिघलने का तक हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा इसे मिलाना चाहिए अच्छे से। देखिए चीनी पूरा पिघल गया, बाजू से थोड़ा पानी पानी लग रहा है। आप चाहिए तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, बट केसर का फ्लेवर और इलायची का फ्लेवर अलग अच्छा नहीं लगता है दोनों मिलने के बाद, तो ये मेरा इरादा है, तो इसके लिए मैंने केसर उतना ही डाला, इलायची नहीं डाला। अभी ये ड्राई फ्रूट्स रखा था ना रोस्ट करके, वो इसमें ऐड किया। अभी गैस मैंने फुल रखा है, चीनी पूरा ना इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए। अभी इसको लिड लगाया, एक ढक्कन डाल के ना एक करीब 5 मिनट छोड़ेंगे, गैस थोड़ा धीमी कीजिए, इसका फ्लेवर पूरा ना वो चावल में एब्जॉर्ब होना चाहिए। बीच में एक बार चेक करेंगे, नीचे नहीं लगना चाहिए ना। बहुत खुशगवार है, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। आप आपका रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। अभी ये रेडी है सर्व करने के लिए, बहुत खुशबू आ रहा है, इतना एरोमेटिक केसरी बात इज़ रेडी। आप ज़रूर बना के एक बार देखिए, कैसे लगा करके मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब सर्व करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।